मुंबई में एक कैथोलिक ईसाई परिवार ने गणेश उत्सव में धार्मिक सद्भाव दिखाते हुए अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया है। वाराणसी के घाटों पर आधारित भगवान गणेश की मूर्ति को फ्रैंकलिन पोल ने बनाया है, जिनका परिवार दो दशकों से ज्यादा समय से अपने घर पर गणेश उत्सव मना रहा है। फ्रैंकलिन का कहना है कि हर साल उनके घर पर स्थापित होने वाले भगवान गणेश की मूर्ति अलग अलग सामाजिक उद्देश्य पर आधारित होती है। इस साल की मूर्ति पर्यावरण जागरूकता को ध्यान में रखते हुए बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनाई गई है। सोशल कॉन्सेप्ट पे एक टॉपिक इनिशिएटिव टॉपिक लेते हुए हर साल एक डेकोरेशन प्रेजेंट करते हैं, तो इस बार भी हमने इस बार वाटर बॉडीज जो कंटामिनेट होते हैं, डैमेजेस होते हैं, तो उसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग नो प्लास्टिक नो पोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन, से नो टू प्लास्टिक, ये हमारा मेन इस टाइम का अवेयरनेस डेकोरेशन हमने प्रेजेंट किया है। जैसे कि हमने इस डेकोरेशन को लगभग डेढ़ से एक महीने में हमने बनाने में वक्त लिया है, और हम हर एक डेकोरेशन में जो मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो डिवाइन मटेरियल्स है, सनबोर्ड्स का यूज़ किया हमने, और हम ऐसे ही हर साल एक अवेयरनेस के साथ एक नया कॉन्सेप्चुअल डेकोरेशन प्रेजेंट करते हैं। फ्रैंकलिन की बनाई गई मूर्ति उस समय सोशल मीडिया की सनसनी बन गई जब उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तब से न केवल मुंबई बल्कि अलग अलग शहरों से भी लोग उनके काम को देखने के लिए आ रहे हैं। Reels on Instagram and I save the Instagram's reels and I go on a website on a poll and I see the location and today I'm coming here मतलब यहाँ पे देखने के लिए because my native place is Banaras so I mostly visited and every time I go on the same place जहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे आप गंगा की आरती देख सकते हो। I came from Hyderabad so last year also I came to Mumbai for Ganesh Chaturthi so I love this city. During Ganesh Chaturthi, people are so welcoming. So this year also I wanted to be in Mumbai for Ganesh Chaturthi. So last time I couldn't go to Lal Bagh, so this time I've been there. And I've seen this pandal, my friend suggested me, they shared a reel on Instagram. So I wanted to visit there, so I came here and saw the pandal. It is very nice. बोले थे इसके बारे में कि ऐसा वायरल हुआ है और मेरे काफी मेरे फ्रेंड्स लोग भी शेयर किए थे और उन्होंने सजेस्ट किए थे कि जाके देखो एक बार, तो इसलिए मैं देखने आया था और अभी देखा तो इट्स क्या बोलते हैं इट्स अवेयरनेस क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इको फ्रेंडली एंड द प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स एंड दैट इज एक्चुअली मेड फुल वाइब इन मुंबई यू नो। पोल परिवार का कहना है कि वे भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने से पहले 21 दिनों तक अपने घर में रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे।